भारत न्यूज 24 और पटना से चलकर के अभी हम जमसौत में आ गए हैं। जमसौत में भावी मुखिया प्रत्याशी शंकर प्रसाद जी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या क्या एजेंडा रहेगा, जनता जनार्दन के बीच में क्या काम करेंगे, क्योंकि मौजूदा मुखिया जी तो फेल हो गए हैं, कोई विकास नहीं हुआ और जनता जनार्दन देखिए इस बार तत्पर है इसलिए कि बदलाव की बिंगुल बजेगी और बदलाव कौन करेगा, शंकर प्रसाद जी बदलाव करेंगे जो विकास करके दिखाएंगे जनता जनार्दन के लिए। आइए इनसे बात करते हैं कि इंदिरावास, नल जल, शौचालय और वृद्धा पेंशन में किस तरह से जनता जनार्दन के बीच में काम करेंगे। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार। जनता जनार्दन के काम बिल्कुल फ्री होगा, स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, एम्बुलेंस मिलेगा, श्री आपका बताओ। और ये जो जन यहाँ जमसौत के जनता वासियों से सर क्या अपील करना चाहते हैं? सर अपील कर दिए, आपको बता दिए कि यहाँ स्वास्थ्य केंद्र बनेगा जमसौत पंचायत में, एम्बुलेंस रहेगा, जो भी कार्य है कुछ सेवा करेंगे जनता का पूरा, जो कार्य रहेगा बाकी वो पूरा कर निस्वार्थ भाव में काम होगा। सीधा देखिए इनका एक ही कहना है क्या कि निस्वार्थ भाव में काम किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वर्तमान मुखिया है वह दूसरे पंचायत में इंदिरा आवास को दिया जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है? और यहाँ के जो पंचायत में जो भी आदमी है ना, उनको इंदिरा आवास मिला, न शौचालय मिला, न वृद्धा पेंशन मिला। लेकिन यह जनता से भी हम बात करेंगे, कुछ जनता से भी बात करेंगे कि आप इस बार क्या नया चेहरा, नया उम्मीदवार को देखना चाहते हैं। हाँ भैया बताइए। हाँ जी सर, निया मियाँ वक्त मिलने वाला का नहीं मिलता, इंदिरा आवास भी नहीं मिला है, इंदिरा से मतलब कितना मिला, कितना क्या, और शौचालय वाला भी नहीं मिला है इन साल इन लोग को। तो क्या इस बार आप लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो? हाँ, इन साल चाह रहे हैं कि हम लोग ये बदलाव हो, नया चेहरा। हाँ, नया चेहरा बदलाव हो। आप बताइए भैया, क्या इस बार बदलाव चाह रहे हैं? जरूर, नया चेहरा, नया उम्मीदवार, नया उम्मीदवार। आप बताइए। ठीक है, नया होना जरूरी है, जरूरी है। शादी ब्याह वाला चीज पैसा नहीं मिला है, पिछला को मिल जाए, अगला को मिल जाता है, हम लोग का मिलवे नहीं करता है। तो नया उम्मीदवार, नया चेहरा, नया मुखिया लाना चाह रहे हैं? नया मुखिया होना जरूरी है सर, एकदम नया मुखिया कर दीजिए, सभी कोई चाह रहे हैं। हम आप बताइए। हम नया चेहरा चाहते हैं नया। देखिए, मुखिया को 3 बार मेरा कार्ड बनाने का ऑर्डर दिए, लेकिन नहीं बनाया, इन साल बनाया है 2 महीने पहले, भी राशन कार्ड भुला गया है और हमको राशन कोरोना में नहीं मिला। पेंशन आपका बना हुआ है? वृद्धा पेंशन बना है लेकिन मिला नहीं अभी तक, नहीं नहीं। आप बताइए भैया।